हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊँ यहाँ पे प्योरड्यू की सारी रेंज। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अनबॉक्स पहले कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जो कि आप कहते हैं कि प्योरड्यू ओरिजिनल हम कहाँ से लें, और कौन कौन सी रेंज में हमें स्पीकर देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी सीरीज में हमें स्पीकर देखने को मिलती है, और कहाँ से अवेलेबल होगा, वो सारे डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। और वीडियो काफी अच्छी होने लगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास रखे हुए हैं सारे HF ड्राइवर्स, यानी प्योरड्यू के जो मेन HF ड्राइवर्स हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपके भी काम आने वाले। और यहाँ पे हर एक, आप चाहे मॉनिटर में, चाहे टॉप में, चाहे लाइनरे में, आप हर एक जगह इनको HF को लगा सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के मैं HF लेके आऊँ। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े मॉडल से, यानी हमारा जो मॉडल नंबर है वो है BMD750 के नाम से आता है, 100 वाट का है, 8 ओम्स का है। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप से, और ये आता है आपका ड्राइवर, और ये भी आपको अवेलेबल मिलेगा, जो कि मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बता दूंगा कहाँ से ओरिजिनल अवेलेबल मिलेगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पे आता है हमारा न्यूडियम में, यानी HF। आपने अभी तक ये न्यूडियम का प्योरड्यू में नहीं देखा होगा दोस्तों, तो ये प्योरड्यू का न्यूडियम है। इसका जो मॉडल नंबर है बेसिकली दोस्तों वो है यहाँ पे SD750N, यानी न्यूडियम N का होगा। 8 ओम्स पे काम करता है कंप्रेसर ड्राइवर। यहाँ पे ये भी 100 वाट्स में ही आता है, और इसकी क्वालिटी को आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये न्यूडियम रिंग लगी हुई है पूरी। और चलते हैं यहाँ पे बाकी मॉडल को हम देख लेते हैं। और यह आ जाता है हमारा 760 दोस्तों, यहाँ पे ये 760 आ जाता है BM मॉडल में। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसके अंदर यूज़ में, अगर आपके पास ड्यूल के 800 वाट के जो टॉप हैं अगर वो हैं, तो आप इसको लगाइए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। फ्राइड में आता है, यहाँ पे प्योरड्यू का ये कवर ऐप दे रखा है, यानी ये आप जो देख सकते हैं, ये साइड में ग्रिप दे रखी है, मैग्नेट को कवर कर रखी है रबड़ ग्रिप से। ये अंदर की साइड यहाँ पे ये मैग्नेट आ गई, और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। 110 वाट्स का आता है, प्योरड्यू का ओरिजिनल है ये भी दोस्तों। आप बात करते हैं इससे थोड़ा सा छोटा मॉडल की, तो ये आ जाता है छोटा मॉडल, और यहाँ पे ये आ जाता है D460S BM का है ये, यानी BM सीरीज में आपको देखने को मिलता है। 80 वाट्स में आता है, तो आप इसके साथ, यानी अगर आप 400 वाट के ड्यूल बना रहे हैं, या फिर 500 वाट के ड्यूल के टॉप बना रहे हैं, या फिर आपके पास स्टेज मॉनिटर हैं जो कि 600 वाट में है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आप स्पीकर को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा 15BM 300V, यानी 300 वाट का है ये, और BM सीरीज में आता है प्योरड्यू का। तो आप पीछे से कुछ इस टाइप से इसको देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ये टर्मिनल सॉकेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप टर्मिनल सॉकेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्योरड्यू गुदा हुआ देखने को मिलेगा, यानी CNC कटिंग हो गई यहाँ पे टर्मिनल्स पे। जस्ट उसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए चैसी के नीचे, आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्योरड्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्योरड्यू यानी डंप करा हुआ है इस पे, और यहाँ पे ये चैसी नंबर आ गया, और ये बारकोड हो गया, तो ये ओरिजिनल की पहचान देता है कि ये प्योरड्यू ओरिजिनल है। अब चलते हैं यहाँ से, मैं फ्रंट लुक से आपको दिखाता हूँ इसी स्पीकर को। और दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाता है फ्रंट लुक, यानी हमारे 300B का, 15BM में 300B, और ये भी डस्ट कैप पे आपको प्योरड्यू यानी जो होगा उभरा से देखने को मिलेगा प्योरड्यू, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उभरा सा है प्योरड्यू की, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग लोगो जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे डस्ट कैप कुछ इस तरीके से सील कर रखी है, और ये है ओरिजिनलिटी की पहचान दोस्तों, यानी हमारे 15 इंची के 300B की, यानी BM सीरीज की। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे मॉडल को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नेक्स्ट वाला मॉडल, यानी BM में 15BM 500B, और यहाँ पे 500 वाट का है, 8 ओम पे आता है, प्रोफेशनल लाउड स्पीकर आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है। प्योरड्यू की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और जस्ट नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का टर्मिनल सॉकेट देखने को मिलेगा, यानी इस टाइप का। वैसे में आपको जो 400 से नीचे के जितने भी होते हैं उसके अंदर आपको प्लास्टिक वाले, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ इसे पुश वाले देखने को मिलेंगे। जस्ट उसके नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये आ गया आपका बारकोड, और यहाँ पे ये प्योरड्यू यानी चैसी पे गुदा हुआ है ये, और यहाँ पे ये मॉडल यानी जो चैसी नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं यहाँ से फ्रंट लुक पे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखने। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे BM 500 को, यानी 15BM 500 जो कि 500 वाट का है, फ्रंट लुक आपको देख सकते हैं।
बिल्कुल प्लेन पेपर है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। बाकी डस्ट कैप पे इस पर कोई भी आपको ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलेगी जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चारकोल गम से सील कर रखा है बकायदा। और चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी ये डबल जैम्प वाली होती हैं, पेपर कौन प्लेन होगा यहाँ पे, चैसी पे नाम गुदा हुआ होना चाहिए और जो बारकोड स्टिकर है वो होना चाहिए। तो ये ओरिजिनलिटी की पहचान देता है, तो उससे आप इसको ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मॉडल को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाता है प्योडो का चैलेंजर सीरीज में 400B, यानी CA15 400B, यानी 400 वॉट के अंदर आता है। और काफ़ी फेमस सीरीज है ये चैलेंजर सीरीज, और काफ़ी हैवी भी है बिकॉज इसका जो डेप्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है फ्रेम का। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आपको पीछे यानी बैक लुक जो है वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। और यहाँ पे पेओडियो यहाँ पे C15 400V मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 400 वॉट चैलेंजर सीरीज यहाँ पे लिख रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको चैसी में क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी आपको वैसा यानी जो पुश वाले सॉकेट्स होंगे वो देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप से। और चलते हैं नीचे की साइड, तो नीचे की साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पेओडियो यानी जो पेओडियो है ये फ्रेम पे आपको गुदा हुआ देखने को मिलेगा, साथ के साथ चैसी नंबर भी आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पे। और जस्ट इसके यहाँ पे अगर आप इस साइड देखेंगे, यानी जस्ट इसके सॉकेट के नीचे की साइड देखेंगे, तो फ्रेम पे आपको ये बारकोड स्टिकर देखने को मिल जाएगा जो कि इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान देता है। अब चलते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रंट लुक, फ्रंट लुक पे आपको क्या डिटेल देखने को। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैलेंजर सीरीज के 400 वाट के स्पीकर को, और यहाँ पे मैं फ्रंट लुक अगर आपको दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे फ्रंट लुक से देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो पेपर कोन है वो बिल्कुल फ्लैट, यानी जैसे हल्की सी जो डॉट वाला होता है दानेदार, उस टाइप का पेपर कोन देखने को मिलता है। डस्ट कैप पे भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, डस्ट कैप बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे, और यहाँ पे चारकोल गम से यहाँ पे सील कर रखा है और कुछ इस टाइप का है बना रखा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा पाऊँ तो यहाँ पे आप डस्ट कैप को भी देख सकते हैं, साथ ही में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेपर कोन की क्वालिटी है वो भी आपको देखते ही बन रही होगी। और भी मैं आपको डिटेल देता हूँ कि यहाँ पे ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे फ्रंट लुक से तो जानते ही हैं, फिनिशिंग बता देते कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, साथ के साथ चैसी पे प्योडियो यानी जो गुदा हुआ होना चाहिए उसका चैसी नंबर होना चाहिए, साथ ही जो बारकोड होता है वो भी हो इसमें होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 18 इंची से। तो 18 इंची के अंदर आपको कौन कौन से मॉडल जो है वो बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये 18 इंची का दोस्तों आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैलेंजर सीरीज का, यानी C18 650 EL, और पियोडियो यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 1200 वॉट लाउड स्पीकर यहाँ पे पियोडियो सिस्टम कंपनी लिमिटेड आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड का लुक कुछ इस टाइप का है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट अगर हम नीचे यहाँ पे बढ़ते हैं तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो सॉकेट्स हैं वो यहाँ पे आपको होंगे वो प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, और पियोडियो यहाँ पे आपको नाम गुदा हुआ देखने को मिलेगा, ये आपको कुछ इस टाइप के सॉकेट देखने को मिलेंगे। जस्ट हम उसके अगर नीचे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाता है बारकोड स्टिकर। बेसिकली दोस्तों ये बारकोड स्टिकर होता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, ये कंपनी से ही लग के आता है। और ये आप देख सकते हैं जैसे पे आपको नाम गुदा हुआ देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। अब चलते हैं यहाँ पे फ्रंट लुक से। मैं दोस्तों अभी आप यहाँ पे फ्रंट लुक से देख सकते हैं हमारे पियोडियो के C18 650 EL जो कि 1200 वाट का है। यहाँ पे आपको जो पेपर कोन की क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग हमको दे रखी है। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कुछ किसी टाइप की कोटिंग कर रखी है जो कि कार्बन कोटिंग होती है। यहाँ पे डस्ट कैप को देख सकते हैं, यानी जो डस्ट कैप यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कर रखा है। यहाँ पे आपको इस पेपर कौन सा डस्ट कैप की क्वालिटी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है स्पीकर लेते समय। और यहाँ पे इस टाइप से इसको डस्ट कैप को सील कर रखा है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है सेम पियोडियो का पी सीरीज में। तो यहाँ पे अभी आपको मैं मॉडल नंबर दिखाऊँ तो ये आप ये मॉडल नंबर को देख सकते हैं, P180/22-42V3 पियोडियो के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। 1200 वाट 8 ओम्स पे काम करता है प्रोफेशनल लाउड स्पीकर पी सीरीज यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे बैक साइड है। और चलते हैं यहाँ पे और नीचे की साइड में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि टर्मिनल सॉकेट्स की अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये टर्मिनल सॉकेट्स को आप देख सकते हैं, पियोडियो नाम गुदा हुआ है यहाँ पे, प्लस माइनस का टर्मिनल सॉकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि प्लास्टिक में है। जस्ट हम उसके नीचे बढ़े तो यहाँ पे ये स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप का है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पियोडियो के पी सीरीज के 22/42 V3 वर्जन को, तो ये फ्रंट लुक से कुछ ऐसा देखते हैं को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आप पेपर होन की क्वालिटी को देख सकते हैं, और जस्ट यहाँ पे ये डस्ट कैप की क्वालिटी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि चारकोल गम से सील कर रखा है, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यानी ओरिजिनल की पहचान ही अलग होती है यहाँ पे अगर आप फ्रंट लुक से देखेंगे या बैक लुक से देखेंगे। चलते हैं तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है वो आपकी फेवरेट सीरीज़ है, यानी चैलेंजर की 18 1000 V2।
काफ़ी काफ़ी पसंद करा आपने इसको और मुझसे भी रिकमेंडेशन ली है, तो मैंने भी आपको यही रिकमेंडेशन करा है 1000 वाट के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं RMS में। तो ये आ जाता है दोस्तों C18 V2 यानी V1000 V2 और काफ़ी फेमस सीरीज़ है, यहाँ पे नामी काफ़ी है इसका प्योडियो में। और यहाँ पे आपको वैसे तो 1500 वाट देखने को मिल जाता है लेकिन एक्चुअल RMS पावर इसकी 1000 है। और यहीं अगर मैं कुछ और डिटेल के बारे में बात करूँ तो ये ओरिजिनल कैसे आप पहचाने इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योडियो आपको नाम यहाँ पे पंच देखने को मिलता है, जस्ट उसके नीचे अगर आप देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर मैंशन कर रखा है, तो ये सीरियल नंबर आ गया यहाँ पे, ये प्योडियो का यानी जो फ्रेम है उस पर पंच करा गया है प्योडियो को, तो ये आप फ्रेम को देख सकते हैं। तो ये 4-5 बातें हैं जो कि आपको याद रखनी कि लेते समय स्पीकर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, 1, 2 और 3। और चलते हैं यहाँ पे फ्रंट लुक से यानी हमारे पेपर कोन की क्वालिटी को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्योडियो के 1000 V2 को फ्रंट लुक से और कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पेपर कोन और डस्ट कैप कुछ अलग ही है यहाँ पे बाकी स्पीकर से, यहाँ पे प्योडियो के जितने भी स्पीकर हैं उनसे कुछ अलग ही इंप्रूवमेंट के साथ मुझे ये स्पीकर देखने को मिला। और डेप्थ भी ज़्यादा है इसकी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट कैप को चारकोल गम से सील कर रखा है। फ्रंट लुक से आप ऐसे देख सकते हैं, ये होता है ओरिजिनल। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो आता है 12 इंची के अंदर, आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी थी कि भैया हमें प्योडियो में 12 इंची का स्पीकर बताइए, तो लीजिए ये आ चुका है दोस्तों। ये भी चैलेंजर सीरीज़ में आता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप प्योडियो की यहाँ आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, मॉडल नंबर C12400F देखने को मिलता है, 400 वाट में आता है, 8 ओम्स का स्पीकर है, प्रोफेशनल लाउड स्पीकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, मेड इन थाईलैंड यानी जैसे कि आपको पता ही है प्योडियो है थाईलैंड का, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जस्ट अगर हम उसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बारकोड स्पीकर देखने को मिलता है यानी मैग्नेट पे, और यहाँ पे ये जो सॉकेट्स हैं ये पुश वाले सॉकेट्स हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे C12400 को यानी 400 वाट को, और फ्रंट लुक से कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, प्लेन पेपर है यहाँ पे, हल्के हल्के से डॉट देखने को मिलते हैं, और ये 400 वाट में आता है। तो आप इसकी पेपर कोन की क्वालिटी और यहाँ पे डस्ट कैप की क्वालिटी को भी यहाँ पे देख सकते हैं कैसी आपको लग रही है। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखे ये सारे स्पीकर्स और HFs को, और अब बात करते हैं यहाँ पे ये सारे ओरिजिनल स्पीकर्स आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, प्योडियो के बिल्कुल ओरिजिनल। और यहाँ पे आपको ये जो एड्रेस है यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे शाह ऑडियो इन्फोटेक यानी अहमदाबाद गुजरात में है, तो यहाँ से आपको ये सारे स्पीकर अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहें ऑल ओवर इंडिया यानी अगर आप ट्रांसपोर्ट कोरियर जिस सर्विस से आप मंगवाना चाहें उस सर्विस को भी यहाँ पे अवेलेबल करा गया है, यानी आप जिस भी स्टेट में हो पूरे इंडिया के किसी भी कोने के स्टेट में हो वहाँ पे भी आपको ये स्पीकर मिल जाएंगे। बाकी प्राइस जानने के लिए सेम नंबर यही नंबर काम आएगा, शाह ऑडियो इन्फोटेक को कॉन्टेक्ट करें आप, सारे स्पीकर से लेके आपको सारे HFs तक दे दिया जाएगा। और बाकी अगर आपके इसमें से कोई भी सीरीज छूट रही हो जो कि आपको चाहिए हो तो वो भी सीरीज आपको अवेलेबल मिलेगी। और दोस्तों बस ये वीडियो अगर पसंद आई कुछ मेरी मैंने देखी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब हुई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।